हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो होने जा रहा है पिरामिड सेटअप का। तो हम लोग पिरामिड सेटअप को कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, और उसको जब यूज करने का सबसे बेस्ट वे क्या है रेज्यूम के अंदर, तो ये चीज हम लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, और जो पुराने हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। मैं आ गया हूं आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो है वो क्रिएट करेंगे इसका जो पिरामिड सेटअप का एक सिंपल सा डिजाइन, और उसके बाद में देखेंगे कैसे हमने उसको जो है वो रेज्यूम के अंदर उसको क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ गया हूँ आफ्टर इफेक्ट पे, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। यहां से मैं जो सबसे पहले जो मेरा है वो मैं बनाता हूँ अपना जो है ग्रिड। उसके लिए मैं स्टेज टूल को यूज कर रहा हूं, तो यहां से इसको एक्सेस दे दें आपको। इसके बाद ही आपका ये जो है ओपन होगा। चलिए मैं आ गया हूँ स्टेज टूल पे। तो सबसे पहले मैं जो है टोटल इसका रेजोल्यूशन कर लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने टोटल अभी के लिए मैं 100 and 1200 क्रिएट इनपुट, एंड यहां पर सेम साइज की 1200 and 1200 का क्रिएट आउटपुट। यहां पर मैंने एक सिंपल सा ये साइज ले लिया है इस पिक्सल्स का। अब स्लाइस बनाते हैं, रिफ्रेश, और यहां से टाइल साइज का लेते हैं 120। मैं 120 ले रहा हूँ यहाँ से, और टोटल रेजोल्यूशन जो है वो मेरी वही सेम टू सेम ले रहा हूँ, और 1200 एंड यहाँ से 1200। ओके, स्लाइस का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, CENTER सेट। ओके, एंड उसके बाद यहाँ से आप इसको इनेबल जरूर कर दें, ध्यान है इनेबल कर दें, देन क्रिएट स्लाइस। तो मेरे पास एक सिंपल सी इस टाइप का जो है वो स्लाइस बनके रेडी हो गई है। अब मैंने ये इनेबल क्यों किया, क्योंकि मुझे इसमें से कुछ स्लाइस को रिमूव करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि फर्स्ट वाली स्लाइस जो रिमूव करनी है, यहां पर मेरे फर्स्ट रो के अंदर एक नंबर जो है वो मुझे रिमूव करना है, तो यहां से मैं करूंगा क्रिएट नेटिव आ गया। तो यहां से मैंने रो नंबर 2 सिलेक्ट करना है, काउंट नंबर 2 करना है, देन क्रिएट। यहां से मेरी 2 स्लाइस जो रिमूव हो गई। ऐसे ही मैं इसको बढ़ाता रहूंगा, रो नंबर 3 में 3 स्लाइस, एंड रो नंबर 4 के अंदर मेरी 4 स्लाइस, और 5 में 5, 6 के अंदर 6, 7 के अंदर 7, एंड आपका जो 8 के अंदर 8, एंड 9 के अंदर यहां पर आपका 9। ओके, एंड 10 के अंदर 10। तो आपने इस टाइप से इसको क्रिएट करना है। तो अब आप चेक करेंगे जितनी मैंने स्लाइस जो है यहाँ पर बनाया था 10x10 का, 10 पिक्सल्स विड्थ में, सॉरी 10 कैबिनेट्स विड्थ में और 10 हाइट में गई थी, लेकिन यहाँ पर काउंट करता हूँ तो 9 कैबिनेट रहेगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब भी आपने इस टाइप का ग्रिड बनाना है तो ध्यान रहे कि आपने हमेशा क्या करना है, एक कैबिनेट उसको ऊपर लेकर विड्थ एंड हाइट को बराबर रखकर इसको बनाना है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको बंद करता हूं, मेरे पास एक सिंपल सा जो है ग्रिड रेडी हो गया है। कंपोजिशन में जाते हैं और इसको आप जो है सेव करते हैं, यहां से आप कर सकते हैं इसका जो सीक्वेंस के हिसाब से इसको सेव कर सकते हैं। यहां से मैं इसको जेपीजी लेता हूं, और क्वालिटी फुल या कोई भी आप कर सकते हैं, ओके, एंड इसको आरजीबी करके देन ओके, और यहां से मैं इसको किसी भी लेस में जो है वो सेव कर लेता हूं लाइक दिस, एंड इसको रेंडर, ठीक है। तो ये थोड़ी टाइम में आपका जो रेंडर हो जाएगा,
ओके, तो यहां से मैं न्यू फाइल लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ दोबारा से सेम, और यहाँ से आपका जो फाइल है डेस्कटॉप से जिस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी है वो फोल्डर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये भी शायद देखना पड़ेगा कौन से फोल्डर में है, ये आउटपुट के फोल्डर में थी, तो डेस्कटॉप यहाँ आउटपुट, आउटपुट से आपके पास एक ये वाला ग्रिड आ गया, ये वाला ग्रिड आपके पास आ चुका है। ठीक है, सिंपली और सॉरी आपको यहाँ से नहीं लेना है, तो सिंपली आप उसको आउटपुट में जाएंगे और सिंगल इमेजेस को उठाएंगे क्योंकि वो मल्टी में आपके पास आ गई है। ठीक है, तो आपने सिंपली ये इमेजेस को उठाया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सिंपली हमारे पास जो इस टाइप का ग्रिड बन के रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं इसके ऊपर बॉर्डर करने की, तो सिंपली आपने पेन टूल्स पे जाना है, पेन टूल्स पे जाने के बाद आपने जितने पिक्सल्स का इसको बनाना है उसी पिक्सल्स का आप इसका बैकग्राउंड बनाए। ओके, ये मैं अभी के लिए करता हूँ इसको 20 पिक्सल्स। ओके, लाइक दिस मैंने 20 पिक्सल्स किए, जूम करते हैं इसको, जूम करने के बाद यहां जाते हैं इसको जूम करके, और अब इसके ऊपर मैं बनाता हूं लाइक दिस ग्रिड, शेप लेयर से ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। ओके, और आप स्पेस बार प्रेस करके माउस से इसको ऊपर से नीचे कर सकते हैं लाइक दिस, और यहां से आप इसके यहां पे करें और इसके एजेस पे आप इस टाइप से बॉर्डर बनाते रहें। दिस वन, तो इसको थोड़ा जूम करके बनाएंगे तो आपका जो है पिक्सल टू पिक्सल वर्क हो जाएगा, लेकिन यहां सेंटर था तो मे बी यहाँ शिफ्ट के साथ अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ बनेगा। ओके, एंड बाकी मैं आपको एक सिंपल बॉर्डर बता रहा हूँ, और अगर आप इसको क्रिएट करके कुछ एडवांस में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं उसके लिए। चलिए हम लोग बनाते हैं उसको भी, कोई दिक्कत नहीं है लाइक दिस। तो मेरा एक सिंपल से शेप लेयर जो बन के और रेडी हो चुकी है यहाँ पर आप देख लेंगे। अब सिंपल चाहे तो आप इसको बंद कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, और यहाँ से ऐड में जाएंगे। ऐड में जाने के बाद में यहाँ पर आप ऑफसेट पाथ करेंगे, और ऑफसेट पाथ में यहाँ पर आप 20 पिक्सल्स का अगर मेरे पास है तो इसे मैं करूंगा -10। तो मेरा जो है ये सब कुछ इनसाइड जो बॉर्डर है वो इनसाइड में हो जाएगा लाइक दिस। तो मैंने इस टाइप से अपना 20 पिक्सल्स का बॉर्डर बना लिया। ओके, तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल जी एंड जी प्रेस करके दो बार मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, सेंटर की लेयर्स को मैं क्या करता हूँ कर देता हूँ आपका ब्लैक लाइक दिस, एंड इसको हम लोग करते हैं 16 पिक्सल्स लाइक दिस, और थर्ड वन को करते हैं व्हाइट, और ओके, एंड इसको मैं कर देता हूँ आपका 8 पिक्सल्स लाइक दिस। तो मेरा एक सिंपल साइकल बॉर्डर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब उसके बाद जो आते हैं जो थर्ड वन है इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, शेप्स में जाता हूँ, स्ट्रोक के अंदर जाता हूँ, एंड यहाँ पर मैं इसके बूट कैंप को राउंड राउंड एंड टेशेस को दो बार क्लिक करके टेस्ट को जीरो करता हूं, तो मेरे पास इस टाइप से एक राउंड बॉर्डर बन के रेडी हो गया है। सॉरी मैंने इसको रिमूव नहीं करना था, और ऑफसेट के ऊपर मैं की फ्रेम लगाता हूं पोर्ट के साथ में, तो यहां पर मैंने पोर्ट के साथ में क्लिक किया, यहां पर मैं जो इंप्रेशन करता हूं टाइम टाइम स्टार -100। ओके, एंड कहीं भी आप प्रेस कर सकते हैं, ये आपने इंप्रेशंस यहाँ पर फिल करना है, देन आपका जो है वो बॉर्डर रनिंग हो जाएगा। दैट्स ऑल, अब मेरा बॉर्डर जो बनके है वो रेडी हो चुका है।
इस टाइप से, ठीक है। तो अभी मैं इसको करता हूँ एक्सपोर्ट। तो मैंने इस पे कलर्स वगैरह कुछ नहीं फिल किया है, आप चाहे तो ये वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें कलर्स वगैरह कुछ भी अब नहीं ऐड किया है। तो आप इसको अगर और भी मॉडिफिकेशन इसका करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसके बाद में देन उसके बाद में आप कंपोजिशन में जाए, एड टू रेंडर करें इसको। एड टू रेंडर करने के बाद में यहां से आप रेंडर सेटिंग्स एंड यहां से आप क्विक टाइम एंड इसको करें आरजीबी प्लस अल्फा डैश, ओके, ठीक है। और यहां पर मैं इसको इसी के अंदर सेव कर लेता हूं एंड रेंडर। तो ये कुछ सेकंड लेगा रेंडर होने के लिए इस टाइप से। तो जो मेरा ऑलमोस्ट रेंडर हो चुका है, ये रेंडर होने के बाद मैं सीधा चलता हूं जो है रेजलूम के अंदर। रेजलूम के अंदर जो है मैं फाइल्स को ट्रैक करता हूं। यहां पर जो है मेरा ये जो है यहां पर आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। यहां पर मैंने यहां देखा, उसके बाद कंपोजिशन में जाते हैं और इसके साथ की जो है कंपोजिशन बनाते हैं। तो 1200 एंड और ये जो आपका है 1200, यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ओके। तो मेरे पास सिंपल सा एक बॉर्डर रेडी होके आ चुका है। अब बात करेंगे कि इसको हम लोग रेजलूम के अंदर, सबसे जो मेन इश्यू आता है कि इसको हम लोग रेजलूम के अंदर कैसे यूज करना है। तो आपके लिए मैं एक बात बता दूं कि कभी भी आप इस टाइप का जो भी रेक्टेंगल सेटअप जो भी आप क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रहे उसको आपने कभी भी रोटेशन नहीं करना है। ना तो आप आफ्टर इफेक्ट के अंदर जब ये बनाएंगे तब उसको रोटेट करना है, ना ही आप इसको जहां पर अप्लाई कर रहे हैं जो रेजलूम के अंदर जब आप इसको प्ले करेंगे तब भी इसको रोटेशन नहीं करना है। रोटेशन क्या करना है, रोटेशन करना है हमने अपनी एलईडी वॉल को, क्योंकि ऑलरेडी वॉल तो रोटेट में ही लगी है, ठीक है। और कुछ का क्वेश्चन आता है कि जी हम लोग इसमें डाटा कैसे सेंड कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जस्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आउटपुट में जाते हैं एंड यहाँ से मैं कुछ विजुअल्स ले लेता हूँ, और अगर विजुअल्स में कुछ ट्राइंगल टाइप का लूँ तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल के लिए। और यहां से जाते हैं आउटपुट के अंदर। आउटपुट के अंदर अब जाएंगे एडवांस सेटिंग्स के अंदर, और एडवांस सेटिंग्स के अंदर मैं यहां से क्रिएट करता हूं न्यू, ठीक है। तो न्यू किया मैंने आउटपुट के अंदर, और आउटपुट के अंदर यहां से मैंने जो है यहां पे कंपोजिशन है, और यहां से मैंने कर देता हूं उसको लेयर वन, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, इस टाइप का एक डिजाइन रेडी होके आ गया। अब इसको दोबारा इसके ऊपर अगर मान लीजिए कुछ वीडियो अप्लाई करनी है, तो यहां से आप जाएंगे और यहां पर जाएंगे आप कंपोजिशन में, ठीक है। कंपोजिशन में जाने के बाद आपने पहले तो इसको इसके बराबर रखना है। पहले तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बैकवर्ड कर देता हूँ कि बैकवर्ड। अब क्या है कि ये जो मेरा सॉरी ये यहाँ पर वो लगा हुआ है, इस पे ऑटो लगा होगा शायद, है ना, एक सेकेंड ऑफ करते हैं इसको। तो अभी देखिए ये विजुअल्स मेरा सही नहीं है, सीधा नहीं है, तो इस विजुअल्स को हमने क्या करना है, उतने ही डिग्री के ऊपर रोटेट करना है जितने डिग्री के ऊपर मेरा जो है मैंने जो एलईडी वॉल को रोटेट किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि आपने उतने ही डिग्री पे इसको रोटेट करना है, कि अगर मान लीजिए रोटेशन है, अगर आपका एलईडी वॉल जितने डिग्री के ऊपर है तो उतने ही डिग्री पे इसको माइनस के अंदर रोटेट करेंगे आप, लाइक दिस माइनस 45 डिग्री पे ये होगा मतलब, ठीक है। तो यहां से आपने इसको पहले तो यहां पे ट्रैक करना है, और उसके बाद यहां इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं लाइक दिस, और इस साइड से एंड इस साइड से आप इसको कम करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओके। तो
42 है, 43, 44, 45. यहां पर आप चेक करेंगे 45 डिग्री के ऊपर आपने इसको रोटेट करना है पूरे के पूरे विजल्स को लाइक दिस. ठीक है, तो अब आपका जो विजुअल्स है वो आपका जो है स्क्रीन पे है वो प्रॉपर तरीके से सही तरीके से नजर आएगा और सही तरीके से ही विजुअल होगा. तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें आप कि अगर आपके पास अगर आपने कोई भी विजुअल्स प्ले करना है इसके ऊपर तो आपने अपने जो है डिजाइन्स वगैरह जो भी आपका चल रहा है इसको आपने एप्लीकेबल नहीं करना, इसको आपने रोटेशन नहीं करना है. जो आपने करना है वो करना है आप अपने विजुअल्स को जो आपके उसके ऊपर कंटेंट चल रहा है उसको आपने इसके ऊपर जो है रोटेशंस करनी है, ना कि आपने इसके ऊपर कुछ इस टाइप का करना है कि जैसे मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि आपने जो है विजुअल्स को रोटेट कर दिया या आपने डिजाइन्स को रोटेट कर दिया. तो डिजाइन्स को रोटेट नहीं करना है, इस चीज का पूरा ध्यान रखें. आपने सिर्फ ओनली आपका जो है यहाँ पर जो कंटेंट है आपका उसको रोटेट करना है और वो कितने डिग्री पे करना है वो आप खुद उसको आपको खुद को ही फील हो जाएगा कि उसको -45 मैक्सिमम -45 डिग्री ही होता है. ठीक है, तो आपने माइनस पे लगाया है एलईडी वॉल को या 45 डिग्री प्लस पे लगाया है. आप माइनस पे करेंगे या 45 डिग्री माइनस पे करेंगे या प्लस पे करेंगे, आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, तो आपने इस टाइप से उसको जो है डिजाइन को रोटेट करना है और कोशिश क्या करें कि आप कुछ जब भी इसको पहले रोटेट कर रहे हैं ना एक विजुअल्स पे तो आप कुछ ऐसा विजुअल्स ले लें जैसे ऑलरेडी जो ट्रायंगल में हो. तो मैं एक बार आपको शायद मे बी यहां पर मेरे पास कुछ होना चाहिए ट्रायंगल में हो तो दिखता हूं मैं. ठीक है, तो ट्रायंगल में होगा तो आप बहुत ही उसको इजी वे के अंदर लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं. अगर ट्रायंगल विजे होगा कोई आपके पास विजुअल से ऐसा हो जो ट्रायंगल की शेप में हो तो देखना पड़ेगा एक सेकेंड. और उसके बाद तो आप जिस टाइप के जो भी विजुअल्स आप लगाना चाहें उसके अंदर यूज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको ये विजुअल्स प्ले करता हूं तो ये विजुअल्स जैसे मैंने प्ले किया तो अभी मे भी शायद क्या है कि मेरा जो रोटेशंस है यहां पर सीधा है इस टाइप से है लेकिन यहां पर नहीं है. तो मेरा जो है मैं इसको क्या बोलता हूँ इसको जीरो करता हूँ, एक बार जीरो करते हैं इस टाइप से करते हैं और उसके बाद इसको सेट करते हैं और मैंने इसको माइनस में किया लाइक दिस. Slice 2 minus इसको इस टाइप से माइनस किया. ओके, एंड अब इसको रोटेट करते हैं लाइक दिस. तो अगर ये माइनस में है या प्लस में है वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपका जो स्क्रीन के ऊपर ही आपको ये जैसे मैंने लास्ट टाइम माइनस में किया था तो मे बी शायद एक्चुअल में माइनस में नहीं हूँ प्लस में 45 डिग्री था तो लाइक दिस. ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्लस करके देता हूँ तो अब अगर आपके पास देखिए अब रेक्टेंगल जो है आपका प्रॉपर तरीके से जा रहा है. यहाँ पर अगर इसको 45 डिग्री करते हैं तो प्रॉपर तरीके से ये जो सेंटर बैठा हुआ है यहाँ पर आपका प्रॉपर तरीके से सेंटर में आ रहा है. तो ये आपका जो विजुअल्स है प्रॉपर तरीके से जो है उसके अंदर चलेगा पिरामिड सेटअप में. तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि आप कभी भी डिजाइन को रोटेट नहीं करेंगे, नंबर एक. और दूसरा नंबर दो, आपका कोई भी आप जब ग्रिड बनाते हो तब भी उसको रोटेट नहीं करेंगे. नंबर थ्री, अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ जैसे मैं यहां से एक जो है आपका आउटपुट में जाकर आउटपुट से जो है ये ग्रिड रखता हूं यहां पर. ओके, तो जो मैंने ग्रिड यहां पर रखा तो ग्रिड जो है अब मैं आपको ये बता दूं कि इस ये ग्रिड आपका कैसे वर्क करेगा और आपने इसके अंदर जो है आपने जो अपना क्या बोलते हैं उसको डाटा कैसे सेंड करना है. तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें. देखिए यहां से आपका हाइट में जा रहा है स्क्रीन, ठीक है, यहां से फिर हाइट में जा रही है, यहां से फिर हाइट में जा रही है, इस साइड से हाइट जा रही है. तो आपने सिर्फ ग्राफ के अकॉर्डिंग ही
अगर मैं इसको आउटपुट में यहाँ पर के रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो यहाँ आप ग्रिड देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या है, वन आयोट। यहां से मैं अगर मान लीजिए मेरा जो है एक कैबिनेट्स का जो ऊपर का पार्ट है वो ये है और यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने यहीं से कॉन्फ़िगर करना है इसको। यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 के बाद यहां से नीचे को आ गया, यहां से ऊपर चला गया, यहां से इस टाइप से कॉन्फ़िगर करना है। और जो मैंने अपना ग्राफ जो एलईडी सेट में या नोवा स्टार के अंदर जो भी है आपने फिल करना है, तो आपने क्या करना है, 10x10 का करना है। ये जितने भी पैनल यहाँ पर ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपके जो पैनल्स हैं वो ब्लैंक रहेंगे, ये ध्यान रखें। लेकिन आपने 10x10 की स्क्रीन जो आपने जिस साइज में आउटपुट बनाई है, या 10x10 या 9x9 में है जो भी आपका, ठीक है, 9 कैबिनेट्स हाइट में हो गया, 9 विड्थ के अंदर होगी, सेम कैबिनेट्स होगी, यहाँ पर भी 9 कैबिनेट है, यहाँ पर भी 9 है, तो आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी ग्राफ बनाना है तो 9x9 का बनाना है, ठीक है। 9x9 का बनाने के बाद में आपने इसके ऊपर जो है वो इसी टाइप से सिंपल तरीके से यहीं से 1 से लेकर 9 ऊपर से नीचे, जैसे हम लोग एस टाइप वायरिंग करते हैं वैसे ही वायरिंग इसमें करनी है, तो आपका जो स्क्रीन है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखें, ना तो आपने इसका जो है इस टाइप का ग्राफ जो है आपने उसको यूज करना है, उसको रोटेट नहीं करना है, ना ही आपने जो इसके ऊपर बॉर्डर्स बनाए हैं उसको रोटेट करनी है। हाँ, रोटेट करना है मीडिया जो उसके अंदर आप यूज कर रहे हो, जो उसके अंदर प्ले कर रहे हो, तो इस चीज का पूरा आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं ऐसी कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।